हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइड इफेक्ट चैनल। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, स्पेशली फॉर टिस्नेट। तो कल मैंने टेस्ट योर सेल्फ वीडियो रखा था आपके लिए, जो कि पार्ट 9 था। तो पार्ट 9 का मैं आज सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, क्योंकि किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आते हैं क्वेश्चन। तो आप मेरे क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को समझो और आपको ईजी हो जाएगा सॉल्व करना, ठीक है? तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था मैथमेटिकल ऑपरेशन से। तो जो भी दिया गया था उसको वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे, जैसे कि प्लस को क्या बताया गया, माइनस, तो उस जगह माइनस लगा देंगे, वैसे करके चलते रहना है, ठीक है? तो पहले बोडमास रूल से सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट लगा देते हैं, 3 माइनस को क्या बताया गया, माइनस को प्लस मींस माइनस, देन माइनस मींस मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 15, ओके। और डिवाइड को क्या बोला गया है, डिवाइड मींस प्लस, प्लस मींस 19, ठीक है? ब्रैकेट क्लोज करेंगे। मल्टीप्लाई को क्या बोला गया, डिवाइड, डिवाइड बाय 8, एंड प्लस को क्या बोला गया है, प्लस मींस माइनस, माइनस 6। तो अब इसी को सॉल्व करना है बोडमास रूल से। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट के अंदर को देखेंगे और फिर मल्टीप्लाई, 15 3 45 प्लस 19, ओके, ठीक है? तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे कर देते हैं। आपको इतना टाइम नहीं लगाना है, जितना आप जल्दी फास्ट कर सको कर देना, मैं तो आपको समझाने के लिए बोल रहा था। और ये हो जाएगा आपका 4, और ये हो जाएगा आपका 64 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 6। तो 8 8 जा 64, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। जिसका भी 2 आंसर आया था वो करेक्ट था, ठीक है? तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये था वॉच यानी कि क्लॉक से रिलेटेड था। तो अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट वाला ये क्वेश्चन है। इफ वॉच रन 5 मिनट फास्ट इन एवरी आवर, ठीक है? अब एक आवर में कितने होते हैं मिनट, 60 मिनट। अब कितना फास्ट चल रहा है, 65 चल रहा है, ठीक है? यही तो कहा गया, 60 मिनट में 65 फास्ट चल रहा है, यानी कि 5 फास्ट चल रहे हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लाइन को पढ़ते हैं। देन द एंगल ऑफ ट्रांसवर्ट बाई ए सेकेंड हैंड इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, आप बोल रहा है कि सेकेंड हैंड से बताना है आपको। तो 1 मिनट में भी 60 सेकेंड होते हैं, और कितना अगर वो 5 मिनट फास्ट चल रहा है तो इधर 5 सेकेंड फास्ट हो जाएगा। तो सेम ही है, 60 अपॉन 65 ही रहेगा। अब बताना एंगल, तो एंगल बताने के लिए इंटू 360 कर दो, जैसा कि आप लोग 360 हम लोग पता है एंगल। अब इसको इससे काट देंगे तो ये हो जाएगा हमारा, तो इसे लिख देंगे हम यहाँ पे 6 बार में जाएगा ये, 6 6 36, 0 से 0 काट दिया, और 65 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 390 डिग्री, ठीक है? तो 390 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ऑप्शन थर्ड इज ए करेक्ट आंसर, जिन्हें भी करेक्ट था वो जान लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये सीरीज का क्वेश्चन है। 2 6 12 20 30 42 56। और अभी से ही मैं बता दो रहा, एक गारंटी सीरीज का क्वेश्चन आने वाला है, प्रैक्टिस कर लो। मेरे सारे वीडियो में मैंने प्रैक्टिस करवा चुके हैं, और पीडीएफ भी ले लेना, ठीक है? कंप्लीट पीडीएफ, तो कंप्लीट पीडीएफ के लिए ये मेरा मेल आईडी है, इसमें मेल कर देना। फिर इधर देखो, 2 6 यानी कितना हो रहा है, प्लस 4। इधर कितना हो रहा है हमारा, प्लस 6। इधर कितना हो रहा है, प्लस 8। इधर कितना, प्लस 10, प्लस 12, प्लस 14, ठीक है? प्लस 16 करेंगे, 56 में प्लस 16 हो जाएगा। तो 2 5 5 6 7 72 हमारा ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। देख लो कैसे हुआ ये, प्लस 2 इंक्रीज होते जा रहा है, 4 6 8 10 12 14, तो 14 के बाद 16 आएगा, और किस में प्लस हो रहा है, प्रीवियस में। तो 56 में से 16 प्लस किए तो 72 हमारा आंसर निकल के आ गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है।
अब देखो, हाउ मैनी इवन नंबर आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ए नंबर विच आर इमिडिएटली फॉलोड बाई ए ऑड नंबर। अब हमको बताना है कि एक इवन नंबर रहेगा, उसके आगे वाला नंबर ऑड रहेगी और उसके इमिडिएटली प्रिसीड बाई इवन नंबर, यानी कि दो इवन एक ऑड रहना चाहिए। तो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। ये देखो सिक्स, ये सिक्स नंबर देख लो, और हमको बताना है कितने ऐसे सीरीज हैं जो इस कंडीशन को फॉलो करते। तो देख लो सिक्स है, सिक्स के आगे सेवन है ऑड नंबर और सिक्स के पीछे एट है इवन नंबर। तो एक तो यही हो गया हमारा, ठीक है। तो सेकंड देखेंगे कौन सा रूल फॉलो होता है, सेम रूल से एट इवन नंबर है हमारा, ठीक है, उसके आगे नाइन ऑड नंबर है, इसके पीछे सिक्स इवन नंबर है। तो सेकंड दूसरा नंबर ये हो गया हमारा, ठीक है। थर्ड चलेंगे, थर्ड पे देखेंगे तो ये रहा हमारा, ये थर्ड देखो, ये टू हमारा इवन नंबर है, इसके आगे ऑड नंबर है थ्री, इसके पीछे भी इवन नंबर है। तो थर्ड ये हो गया, ठीक है। तो हमने थर्ड देख लिया, तो थ्री ऑप्शन है, नेक्स्ट और भी होगा तो नॉन ऑफ दिस होगा, तो नेक्स्ट और भी देखते हैं। और ये देखो एट इवन नंबर है, इसके आगे वन ऑड नंबर है, पीछे टू तो इवन नंबर है। तो ये चार हो गए हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर फोर नॉन ऑफ दिस, क्योंकि फोर हमारा यहाँ पे दिया ही नहीं है। थ्री फाइव सिक्स दिया गया है, फोर तो दिया ही नहीं है, इसलिए नॉन ऑफ दिस, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। इसी तरह मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहूँगा, जितने भी अपलोडेड वीडियो आप ज़रूर देखें टेस्ट नेट के लिए, पीडीएफ को एनरोल कर लें ताकि आप पढ़ते जाइए और जितना हो सके अभी से स्टार्ट कर दो पढ़ना। थैंक यू।